गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ छत पर कपड़ा लेने के लिए। वहाँ पर शायद काम चल रहा है। ये देखो, वहाँ पर घर होगा शायद। और मैं ना यहाँ पर जो लपटी हुई हूँ ना, वो खोल जा रहा है बार बार। ये देखो, और छत पर देखो आम कितना बड़ा बड़ा हो गया है। अभी रुको, मैं बैक कैमरे से दिखा रही हूँ। ये देखो फ्रेंड, कितना बड़ा बड़ा हो गया है आम। अभी मैं जा रही हूँ नीचे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबको मेरा यूट्यूब चैनल पर। और अभी ये मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं आज सुबह बनाई हूँ खिचड़ी। वो मसूर दाल की खिचड़ी बनाई हूँ और साथ में है पापड़। तो मेरे बेटी भी खा लिया है, हस्बैंड जी भी खा लिया है, तो मैं अभी खा रही हूँ। एकदम सिंपल सा कुकर में मैंने सीटी लगा दिया है, फटाफट हो गया था तो भूख भी लग गया था मेरा, तो मैं सोची चलो खा लेती हूँ। तो अभी वही खा रही हूँ यहाँ पर। और अभी बज रहा है सुबह की 10:30, और फिर बाद में जाऊँगी मैं खाना बनाने के लिए। और आज मैं बनाने वाली हूँ लंच में झमेला वाली सब्ज़ी, क्योंकि ना ये काटना बहुत ही मुश्किल होता है। मुश्किल मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ये। वैसे तो मैं ना रात को काट कर रख देती हूँ, फिर सुबह फटाफट बना लेती हूँ। और आज कल रात को ना मुझे याद ही नहीं था, तो मैं नहीं काट कर रखी थी। सुबह उठकर जब देखी मतलब क्या बनाऊँ क्या, तो सोच रही थी, फिर सब्ज़ी देखी तो याद आया कि इसको बनाना पड़ेगा, और नहीं बनाऊंगी तो ख़राब हो जाएगा। और तो मैं सोची चलो इसको बैठकर काटती हूँ। और सुबह तो वैसे मैंने क्या वो खिचड़ी खाई थी, तो भूख भी नहीं लगा था। तो चलो जितना जल्दी लग मतलब जितना टाइम लगता है, काटते रहो भूख भी नहीं लगेगा, फिर बाद में बना लूँगी मैं इसको। और देखो, एक एक मतलब एक एक डंठी छीलकर बनाना ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो एक तो है ये पतला पतला सा डंठी, और इसको छीलना पड़ता है। तो ये हम मेरे घर में ना सब कोई खाता है, मेरे बेटी भी, मैं भी और हस्बैंड जी भी। मेरे बेटी को स्पेशली बहुत ही पसंद है। अगर बनाऊंगी ना तो वो चम्मच और बाटी में लेकर ना खाना स्टार्ट कर देती है घूम घूम कर, तो इसको बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं इसको उबाल कर बनाती हूँ ना, इसलिए गले में नहीं लगता है। इसको बोलते हैं कचू की लती, लती का सब्जी। तो बहुत सारे फ्रेंड को पता होगा शायद ये सब्जी के बारे में। तो अभी मेरा काटना हो गया है, फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं ना वो लती का सब्जी बना लिया था, तो मैं आप सबको नहीं दिखाया। और उसके बाद मैं ये सजना, आलू, टमाटर देकर और एक सब्जी बना लिया है। और इस साइड मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है। अभी खाना पीना कंप्लीट हो गया है। अभी घड़ी में ना 4 बज रहा है। ये देखो 4 बज गया है, तो मैं आ गई हूँ अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। और फैन ना मैंने ऑफ़ कर दिया, क्योंकि आप सबको सुनाई नहीं देगा इसलिए। और गर्मी है, बहुत तेज़ गर्मी है आज। धूप निकला है, अभी लग रहा है कि समर है ये। और वैसे इतना गर्मी तो अच्छा भी नहीं लगता है, पर बारिश भी अच्छा नहीं लगता एकदम। तो थोड़ा और कम होता गर्मी तो अच्छा होता। तो अभी मैं यहाँ पर लेटी हुई हूँ, तो और मेरी बेटी ना यहाँ पर ग्रेप्स खा रही है, तो मैं उसको मांग कर ग्रेप्स लिया खाने के लिए। और अभी ना काम है थोड़ा सा, मैं खाना बनाते बनाते ना धूप इतना था, तो कपड़ा सुबह ही मैंने धो कर रख दिया था ना, तो एकदम मतलब सुखा कर पापड़ हो गया है। तो फिर ना मैं गई छत पर, जाकर कपड़ा लेकर आई हूँ, और वैसे ही रख दिया है सोफे पर। ये देखो सोफे का हालत देखो कितना गंदा है। मेरी बेटी देखो क्या कर दिया है इसको। और मैं तब कपड़ा लाकर ऐसे ही रख दिया था, खाना बना रही थी ना इसलिए।
उसको मैंने चपेटा ही नहीं, तो अभी मैं इसको चपेटूंगी और टेबल का जो ढक्कन मैंने धो दिया था उसको भी लगाऊंगी। और मेरी बेटी तब ड्राइंग कर रही थी तो इसलिए ना वहाँ पर उसका ड्राइंग कॉपी और कलर सब है। अभी ना वो घर पर है क्योंकि उसका वैकेशन स्टार्ट हो गया है। ऐसे तो बोल रहे थे कि स्कूल मतलब स्कूल में ही एग्ज़ाम होगा और ऊपर से ऑर्डर आ गया है सब स्कूल को कि वैकेशन स्टार्ट हो गया है। तो इसका मतलब इंग्लिश मीडियम का कुछ स्कूल है वो सब मतलब नहीं कर रहे थे बंद, वो सोच रहे थे कि एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद करेंगे, तो फिर शायद कुछ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी स्कूल में, हमें पता नहीं है क्या हुआ था। तो आज ही एग्ज़ाम था, स्कूल जाने की बात भी थी और फिर अचानक रात को 10 बजे स्कूल से मैसेज आया कि वैकेशन स्टार्ट हो गया है, अभी कल स्कूल आने का ज़रूरत नहीं है और एग्ज़ाम जितना बजे होने वाला था उतना बजे होगा पर ऑनलाइन होगा, व्हाट्सएप में सेंड कर देंगे क्वेश्चन पेपर और वहाँ पर 1 घंटा रहेगा 30 मार्क्स। और वो घर पर है ना तो बहुत ही बदमाशी कर रही है, सुबह के 10 बजे उसका पेपर दोनों ही ख़त्म हो गया था तो इसलिए ना बदमाशी कर रही थी वो, बहुत ज़्यादा मोबाइल ले रही थी। मैंने उसको बार बार बोला जब तक एग्ज़ाम नहीं होता मोबाइल मत लेना, मोबाइल मतलब चांस खोज रही थी कि कब ले लूँ, तो बहुत ही कम लिया है, कम लिया है। चलो फ्रेंड अभी मैं जो काम है उसमें लग जाती हूँ, करना तो पड़ेगा ही, उसके बाद करूँगी रेस्ट। और बहुत तेज़ गर्मी है आज तो चलो बातें बहुत हो गई है, अभी करती हूँ काम, क्योंकि काम नहीं करूँगी तो सब काम ऐसे ही पड़ा रहेगा, फिर बाद में मुझे ही करना पड़ेगा, बाद में बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, तो चलो करती हूँ। इस वाले टेबल में मैंने कपड़ा लगा दिया है और मिरर थोड़ा सा गंदा लग रहा था ना, इसलिए मैंने कपड़ा लाकर इसको भी साफ़ कर दिया है। और ये जो रहता है इसमें सामान बास्केट वो भी साफ़ कर दिया है, तो चलो मेरा इस साइड का काम हो गया। फिर सोफ़े पे मैं जो रखी थी कपड़ा उसको मैं अभी चपेट रही हूँ। और मेरे बेटी का यूनिफॉर्म है ये, तो जो वाइट कलर का है उसको मैंने नहीं धोया है तो ये ब्राउन कलर का धो दिया है, तो एक साथ जब धोना मतलब उसको भी जब धो लूँगी तो एक साथ आयरन कर कर फिर रख दूँगी, क्योंकि अभी तो स्कूल बंद है नहीं लगेगा, फिर 1 महीना बाद ही लगेगा यूनिफॉर्म, तो रख दूँगी धोकर, तो उसको धोना बाकी है इसलिए मैंने इसको आयरन नहीं किया है, एक साथ ही कर लूँगी।
तो सारे कपड़े को मैंने चपेट लिया है। और मेरे बेटी का आदत है जहाँ पर पढ़ेगी ना वहाँ पर इतना डांटती हूँ मैं उसको कि अपना किताब सही जगह पर रखा करो, ये गुड मैनर्स है। तो पर कभी कभार करती है या कभी कभार छोड़ देती है, तो ऐसे बदमाशी करती है, मतलब ऐसे ही करती रहती है वो। तो मैं इसको रख दिया है, ये मेरा ही काम रहता है क्योंकि हम लोग भी तो शायद बचपन में ऐसा ही किया था मम्मी पापा को परेशान, इसलिए मेरे बच्चे भी मतलब मेरे बेटे भी मुझे परेशान करती है, ये वो काम करती है। तो चलो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब।